जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव रखहि जो को पविधाता सुई पवन सुई सुभग शरीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भक्ति भवानी। संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण संपूर्ण साधनों का समुदाय जोग और वैराग्य ज्ञान में दक्षता और मानव सेवा संत सदगुरु की सेवा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। सब का फल है हरि की भक्ति। अंत में जितने तीर्थ व्रत थे उनके संसर्ग से जब भक्ति जागृत हो गई तो फिर उसे तीर्थ अपना फल दे चुका। उस कोर्ट कचेरी से आप लोग आगे बढ़ गए हो फिर शांत एकांत में बैठ के चिंतन करो। एकांत मन में होता है। सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए एकांत में लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कहीं जाके जंगल में बैठो। जंगल में भी आप वहीं हो जहां आपका मन है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम चलता रहे। ईश्वर पद की साधना में नाम ही प्रथम है और नाम ही अंत में परिणाम दे के शांत हो जाता है। फिर भजन हमारे हरि करे हम पायो विश्राम। आप पेंशनियर हो जाओगे फिर नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। साधना में लगन होनी चाहिए श्रद्धा और समर्पण और फिर समर्पण के साथ चिंतन करें। एक प्रभु में दृढ़ संकल्प होकर खाना खाते पानी पीते सोच जाते नाम जपने के लिए कोई जगह पवित्र नहीं होती। कि राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलू भाई रे। नाही तो भव बिगार में पड़ी है छूटत अति कठिनाई रे। शरीर जन्म जन्मांतरों के संस्कार की एक संग्रह से बना है। इसमें बांस बल्ली बड़ी पुरानी लगी है तो बांस पुराण साज सब अट खट सरल तिकोन खटोला रे। क्यों मिला ये शरीर हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद मंद मोल बिनु डोला रे। राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे। नाही तो भव बिगार महा परी है छूटत अति कठिनाई रे। विषम कहार मार मद माते चल ही न पाऊं बटोरा रे।
मंद बिलंद अभेरा दलकन पाइये दुख जक झोरारी काट कुराय लपेटन लोटन ठाव ही ठाव बजाओ रे जस जस चलिए दूरी तस तस निज बासन भेट लगाओ रे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे ना ही तो भव बिगार महा पड़ी है छूटते अति कठिनाई रे। भगवत पथ अगम्य रास मार्ग है, मन बुद्धि से नहीं समझ के चला जा सकता न इन पांव से चला जाता है, इसलिए अगम्य है। तो मार्ग अगम संग नहीं संबल नाव गाँव कर भूला रे तुलसीदास भव त्रास हरहु अब हो राम अनुकूला रे तुलसीदास भव त्रास हरहु अब हो राम अनुकूला रे। इन महापुरुष का कथन है राम कहत चल राम कहत चल, बस केवल राम कहत चल भाई रे, बस भैया इतना ही करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर समय नाम तुम कहते चलो। ईश्वर का नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती। फूल बिछा के बैठ जाओ और हृदय में प्रेम पूरी हृदय से नाम स्मरण नहीं तो जगह अपवित्र है। इसलिए हर परिस्थिति में खेत जोतते हुए ड्यूटी करते हुए कारोबार में जाते हुए पढ़ते हुए खाना खाते पानी पीते राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ना ही तो भव बिगारी में है परी है छूटते अति कठिनाई रे। अन्यथा भव बिगार में पड़ोगे, भव माने पुनर्भव, फिर हो गया और फिर हो जाओ, ये फिर शरीर गया और फिर शरीर मिला, इस शरीरों का जो सिलसिला बना है ये इतना ज्यादा है, एक व्यक्ति के हिस्से में इतना ज्यादा है कि भव सागर, पुनर्जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म मरण का इतना सिलसिला है कि एक समुद्र तैयार हो गया भव सागर। गोस्वामी जी कहते हैं यदि राम का स्मरण नहीं करोगे तो भव बिगार आवागमन में के बिगार में पड़ जाओगे, फिर छूटते अति कठिनाई रे। यहां संसार में जो कुछ करते हैं बिगार करते हैं, जो कुछ है बिगार है। पिता बनकर पुत्र बनकर माता बनकर भाई बंधु संबंधी बनकर जो कुछ किया जा रहा सब बिगार है। कारण कि सृष्टि में जन्म मरण के जो संबंध है उनके व्यवहार तक दृष्टि है, सत्य पर दृष्टि नहीं है, ये एक बिगार। और अभिमन्यु मर गया, अर्जुन बौखला गया, बोले तुम खाक शूरवीर हो, भीम और युधिष्ठिर और सब योद्धाओं की ओर घूम के बोला किस बात के शूरवीर हो, एक बालक की रक्षा नहीं कर सके तुम लोग। भीम ने कहा भैया हम लोग पूरे पराक्रम से लड़े लेकिन जयद्रथ की वजह से हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। जयद्रथ को वरदान था जिस दिन अर्जुन सर युद्ध में नहीं रहेगा उस दिन तुम चारों भाइयों पर भारी पड़ोगे। वो शंकर जी का वरदान लड़ रहा था, भैया जयद्रथ की वजह से नहीं बढ़ सके, बिगड़ खड़ा हुआ अर्जुन, सारे अनर्थ का मूल जयद्रथ, कल यदि सूर्य अस्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो दहकती हुई चिता पर दास कर लूंगा अपना, जल जाऊंगा। जब प्रतिज्ञा कर चुका तब भगवान ने टोका अर्जुन तुम क्यों प्रतिज्ञा करती हो। भगवान के कहने का तात्पर्य यह था कर्ता धर्ता मैं हूं, तुम केवल आदेश का पालन करता जा, विजय तुम्हारी है। पीछे युद्ध के प्रारंभ में विराट स्वरूप में एकादश अध्याय में भगवान ने दर्शन दिया और ये बताया कि देख ये सूत पुत्र कर्ण
ये जयद्रथ, ये भीष्म, ये द्रोण, ये बड़े वेग से जा रहे थे अस्त्र शस्त्र बरसाते हुए और भगवान के मुख में प्रवेश कर जाते थे और कुछ दाड़ों में चिपके दिखाई दे रहे थे और भगवान सब ओर से चाटते चले जा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये सब क्या है? बोले अर्जुन, ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे हैं, केवल जंगली पशुओं को बहकाने के लिए किसी लकड़ी में कपड़ा टांग देते हैं पुराना, ताकि मनुष्य समझ के डर जाए, ये केवल धोखा है, धोख खड़े हैं, ये मुर्दे हैं, मार तो युद्ध कर, विजय तुम्हारी होगी, मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं, यश तू ले ले। अर्जुन आश्वस्त हो गया था, करता धरता मैं हूं, मैं बड़ा हुआ काल हूं, तुम नहीं युद्ध करोगे तब भी जिंदे नहीं रहेंगे, ये मर चुके हैं। अर्जुन पूर्ण आश्वस्त हो गया, ये सब तू केवल निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहो, विजय तुम्हारी होगी। खड़ा भी था अर्जुन, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जीवन में, मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। एक तो पुत्र मोह, सर्वोपरि मोह है, अर्जुन विकल हो गया, भूल गया कि भगवान के आदेश का पालन करना है, झटके में प्रतिज्ञा कर बैठा। पुत्र मोह में द्रोण की मृत्यु हो गई, हाथ में शस्त्र होते हुए द्रोण का वध कोई नहीं कर सकता था। भगवान ने कहा, ये कौन बड़ी बात, भीम उस हाथी को जानते हो क्या नाम है? बोले अश्वत्थामा। बोले उड़ा दे, मारा गदा तो हाथी मर गया। अब भीम चिल्लाने लगा, वो अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा हतो, इतना सुनना था कि द्रोण की मुट्ठी ढीली हो गई, धनुष गिर गया और युधिष्ठिर का मुंह ताकने लगे। युधिष्ठिर तुम बताओ, क्योंकि वो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले थे जीवन में। तो युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, हतो तक तो सुना द्रोण ने, नरो कुंजरो ने भगवान ने शंख बजा दिया, वो सुन ही नहीं पाया, आवाज मिस हो गई। तुरंत शस्त्र गिर पड़े, नर्वस होके बैठ गए, इतने में गला कट गया। पुत्र मोह में महाराजा दशरथ मर गए, पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को मरवा डाला। और बड़े राजा हों, और बड़े राजा हों, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं थी। ये बाप की सारी ममता पुत्र पर होती है, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, अनंत वो ममता के केंद्र है, लेकिन सर्वोपरि ममता का केंद्र होता है कि शत्रु और महाशत्रु तमोस्ति कोवा, शत्रुओं में भी महान शत्रु जो दुर्जय शत्रु कौन है? ईश्वर पथ में निजात्म जात्या, अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र इत्यादि संतान, इसलिए अर्जुन भी उसी चपेट में आ गया। अब भूल गया कि भगवान करता धरता है, मैं केवल उनके हाथ का यंत्र हूं, पूछा भी नहीं और तहस में प्रतिज्ञा कर बैठा। जब प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान ने टोका, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा क्यों करते हो, मतलब तुम करने वाले होते कौन हो? अर्जुन ने कहा, केशव अब तो मैं कर चुका हूं। बोले, अरे विचार तो कर ले, इससे भी अच्छा परिणाम निकल सकता है, बहुत बढ़िया अनुकूल परिणाम निकल सकता, पहले विचार तो कर ले कि समस्या क्या है। बोले, कुछ नहीं केशव, युद्ध भूमि की ओर रथ ले चलिए। बोले, अरे सोच तो ले। बोले, बस प्रभु कर्ण प्रण पूरा होना चाहिए। सनक गया अर्जुन। भगवान ने कहा, हमें क्या, मैं ले चलता हूं। कुछ दूर रथ दौड़ाया और खड़ा कर दिया। बोले, प्रभु क्या हुआ? बोले, घोड़े थक गए हैं, इनको मालिश चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए। तुरंत अर्जुन ने मारा बाण, हो गया बोरिंग, लग गया कंप्रेसर, टुल्लू फेंकने लगा, बाणों का घेरा डाल दिया, सुरक्षित कृष्ण और रथ घोड़े। कौरवों ने कहा, अरे 2 दिन पहले अभिमन्यु को हम लोगों ने मार डाला सब महारथियों ने मिलके, जबकि वो रथ पर था, आज उसका पिता अर्जुन पैदल है, मार डालो। सारे कौरवों ने हमला कर दिया, अर्जुन फिर अर्जुन था, दिव्य अस्त्रों के से मार के तितर बितर कर दिया सबको।
दो घड़ी तक भगवान मन बहलाते रहे, फिर बोले अर्जुन रथ तैयार। लपक के अर्जुन चढ़ा। भगवान ने सोचा कि जरा सी बात, केवल जयद्रथ वध, तो मैं क्यों व्यर्थ में घोड़े दौड़ाऊं, ऐसा कुछ उपाय करूं कि जयद्रथ यहीं चला आवे मरने के लिए। दो घड़ा तुम खड़ा कर रखा। फिर बोले अर्जुन तुम्हें मालूम है 12 कोश पर है जयद्रथ, व्यूहबद्ध सेना खड़ी यहां पलवल के उस पार खड़ा है, इन सबको काटते हुए चलना है। बोले भगवान चाहे समुद्र पार क्यों न हो आप रथ ले चलिए। थोड़ा रथ दौड़ाया और फिर खड़ा कर दिया। भगवान ने सोचा व्यर्थ क्यों श्रम करें, जरा सी बात, जयद्रथ वध होगा 12 कोस पर, ऐसा उपाय करूं को चला आवे। बोले भगवान अब क्या हुआ। बोले अर्जुन सूर्य अस्त हो गया, चिता तैयार हो गई, अर्जुन बैठ भी गया और आग लगाने के उपक्रम होने लगे। तब अर्जुन फिर धैर्य को बैठा, बोले वाह निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़े पर रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी, बड़ी बड़ी डींगे, ये पता होता तो भला मैं आप पर विश्वास ही क्यों करता। मान गए तो भगवान कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं, भाग्य बलवान है, वैर साधने के लिए फिर जन्म लूं और जयद्रथ को मारूं, मुझसे बड़ी भूल हुई जो आप पर हमने विश्वास किया। और लगे भगवान मूड़ी लटकाने और लगा अर्जुन खरी खोटी सुनाने। शकुनी को पूरा विश्वास हो गया। शकुनी ने कहा प्रिय दुर्योधन ध्यान से देख तो, इस ग्वाले की तरफ देख तो, कैसा सिर लटकाता चला जा रहा है, सब अकल खत्म, ऐसा करो जयद्रथ को बुलाओ। प्रिय दुर्योधन पुत्र उत्पत्ति में जो सुख होता है उससे भी सहस्रों गुना बड़ा सुख होता है शत्रु को संकट में पड़े हुए और मरते हुए देखना, चला जल्दी बुला। जयद्रथ भी सुख भोगने चला आया, ठीक अर्जुन के समक्ष खड़ा होके बोला गांडी उधारी अर्जुन प्रण पूरा करो वीर, जल्दी जलो, इस ग्वाले के माथे फूल रहा था, जल्दी प्रण पूरा करो। दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन द्रोण शिष्य प्रतिज्ञा पूर्ण करो, जल्दी जलो। तब भगवान ने आहिस्ते से गर्दन उठाई, देखा कि बिल्कुल निशाने पर खड़ा है। तब बोले अर्जुन तुम्हें इतना भी तमीज नहीं, एक सूरवीर महारथी चित्तारोहण कैसे करता है, वीर आसन से बैठ के और जिस बाण से शत्रु का वध करना था उसको अनुसंधान करके गले का निशाना साध के प्रत्यंचा खींच के वीर आसन से बैठो तब चित्तारोहण करो। कौरव बहुत हंसे, बोले बेचारा मरने जा रहा है लेकिन उपदेश देने से नहीं बाज आया, जिस माने में ग्वाला है बुद्धि का बड़ा चपल है। अर्जुन भी भुनभुनाया, बोले अब वीर आसन से मरूं या वैसे, जलना ही तो बाकी है, सूर्य तो है नहीं, किंतु बाल्यकाल से ही आज्ञाकारी सेवक था, आदेश का पालन किया, जहां वीर आसन से बैठ के निशाना साधा तब भगवान ने कहा रे अर्जुन देख वो सूर्य, ये तो बादल था और ये जयद्रथ, मार ससुरा निकलने न पावे, गला कट गया, आसमान में तैरने लगा, दिव्य अस्त्रों से ऊपरी रोके रहना, वो जलाशय में इनके पापा श्री संध्या बंधन कर रहे हैं, पानी लेके ऊपर यूं हाथ करे ना तो उल्टा डाल देना, पहचानने न पावे, पलट के रख दिया। तो बुजुर्ग बिगड़े, बोले मर ससुरा यही मौका था हमारे हाथ में गिरने का। जयद्रथ भी मर गया, एक विस्फोट हुआ, सहस्रों टुकड़े पिता के हो गए। उनका वरदान था कि मैं कहूं तब तुम्हारी मृत्यु हो, अन्यथा कभी नहीं हो। दूसरा वरदान था तुम्हारा सिर जो जमीन पे गिरावे उसके सिर के सहस्रों टुकड़े हो जावे। कह भी भला कोई बाप कहेगा बेटा मर जा, चाहे कितना भी नालायक हो, भगवान का जुगाड़, कह भी दिया और स्वयं ही सहसों टुकड़े हो गए। तो जाके रथ पर केसो ताका कौन अंदेशो, प्रतिज्ञा तो वास्तव में पूरी हो गई लेकिन अर्जुन को बड़ी महंगी पड़ी। युद्ध जब समाप्त हो गया
तब भगवान ने कहा चलो बहुत से हमारे भगत हैं अर्जुन। अर्जुन को गर्व था कि मैं ही सर्वोपरि भगत हूँ। बोले अर्जुन बहुत से हमारे भगत हैं, चलो उनको भी देखा जाए। एक शेर ले लिया, पाल लिया और गए मोरध्वज के पास। मोरध्वज सुध खड़े हो गए सिंहासन से, सादर से चरण पखारे बैठाया। बोले भगवान सेवा? बोले राजन केवल भिक्षा, किंतु पहले भिक्षा हमारा शेर करेगा। तो बोले भगवान बदशाला से मांस आ जाएगा? बोले नहीं, बदशाला का मांस हमारा शेर नहीं खाता, तुम कोई अपनी चीज दे दो। बोले मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। बोले नहीं, तुम जिंदा रहो और किसी को दो, अपना लड़का दे दो। मोरध्वज ने कहा आधा लड़का हमारा है, मैंने अर्पण किया, आधा महारानी साहब का है। तो महारानी ने कहा जब आपने दे दिया तो हमने भी दे दिया। तो बोले भला राजकुमार को कौन वध करेगा, आप लोग चीरिए इसको। आरा लेके खड़े हुए तो माँ का हृदय तो बच्चों में बसा रहता है, तुरंत अश्रु छलक आए आंखों में। भगवान कृष्ण का ये रोध हो के दी हुई भिक्षा हमारा शेर नहीं करेगा। तब महारानी ने कहा भगवान धर्म भी जा रहा है, पुत्र भी जा रहा है, ऐसी कृपा करें कि मेरे आंसू जमीन पर न टपकने पाए। तुरंत वहीं जम गया, चीर के आधा शेर को दे दिया, आधा अंदर रखवा दिया। जब भोजन परोसने का समय आया तो बोले राजन अब लड़के का भी भोजन परोसो, थाली परोस दिया। उन्होंने आनाकानी नहीं की, ये नहीं कहा कि अभी तो काट के आधा फैस शेर को खिला दिया, किसको बुलाऊं, परोस दिया। बोले आवाज दो, आवाज दिया तो छुन छुन करता हुआ आया और लगा बैठ के खाने। अर्जुन सनक गया, बोले भगवान इतनी क्षमता आप में, जो आधा शेर खा गया फिर भी जिंदा है, तब हमारे अभिमन्यु को क्यों नहीं जिलाया आपने? बोले तुमने हमारी सुनी कब थी, हमने कहा था अर्जुन विचार तो कर ले, उससे भी अच्छा परिणाम निकल सकता है, तू कह रहा था नहीं केशव प्रण पूरा होना चाहिए, अब मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तू तो सनक गया था, हमारी एक बात नहीं सुना तुमने। बोले अरे प्रभु महान भूल हो गई, कोई उपाय? बोले अर्जुन समय बहुत हो गया है, जिंदा तो नहीं हो सकता और लेकिन तुम उसे देख सकते हो। बोले केशव दिखा ही दीजिए प्रिय अभिमन्यु को, भगवान वहां ले गए जहां दिव्य वायुमंडल में से गुजरे, वो एक भव्य आसन पर अभिमन्यु विराजमान था। फिर भूल कर बैठा अर्जुन, पुत्र मोह कहां तक पीछा करता है, वो चला गया वैकुंठ की नगरी में, तब भी फिर भूल कर बैठा, भगवान से अनुमति नहीं लिया। अभिमन्यु पे दृष्टि पड़ते ही लगा दौड़ लगाने, प्रिय अभिमन्यु, प्रिय अभिमन्यु, प्रिय पुत्र अभिमन्यु। बोले ओ धाम में भी पिता और पुत्र, कौन हो तुम? तब अर्जुन ने सोचा सात सात महारथियों ने एक साथ वार किया है, लगता है थोड़ा क्रैक माइंड हो गया है, तो मम्मी का नाम लेंगे तो अभी याद आ जाएगा। बोले अरे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। तब अभिमन्यु बोला न मैं सुभद्रा पुत्र हूं, नहीं तुम्हारा बेटा हूं, सात बार मैं पिता और तुम पुत्र हुए, केवल एक बार तुम पिता और मैं पुत्र हुआ, आठ जन्म से हमारे बदले चले आ रहे हैं, इन भगवान कृष्ण की कृपा से मैं अपना स्वरूप अपना धाम प्राप्त कर चुका हूं, तुम भी इनकी शरण जा, अन्यथा हजारों जन्म में तक हाय बेटा हाय बेटा वैसे ही बिलखते रहोगे, इनकी शरण में जाओ। उस दिन से अर्जुन का मोह छूटा। फिर अर्जुन जब सो भी जाता था तो रोम रोम से ओम 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 धुनि प्रवाहित होती थी, ये गुण या तो हनुमान जी में था, हनुमान जी की भी रोम रोम से राम 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 धुनि प्रवाहित होती थी, या फिर ये अर्जुन में ये गुण आया। तो अंतिम क्षणों तक पीछा करता है पुत्र मोह, तो यहां पर यदि हमारा है ही नहीं अभिमन्यु, यदि शत्रु ही है, बैरी है, बदले ही है, तो हमारा संसार में क्या है? इसी प्रकार जो कुछ है संसार में, पिता बनकर, पुत्र बनकर, रिश्तेदार संबंधी बनकर, जीव अपना बदला चुकाता है,
जिस क्षण बदला चूक जाता है दूसरा इसने आगे को सफर कर जाता है। तो इन महापुरुष का कहना है कि राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहते चलो, बस केवल राम राम कहते चलो, राम कहत चलो भाई रे, भैया केवल राम कहते चलो। अदि ऐसी न पार लगा तब ना ही तो भव बिगारी में हाँ परी है, छूटत अति कठिनाई रे, अन्यथा आवागमन की बिगार में पड़ जाओगे, छूटना असंभव है, अति कठिनाई है, छूटोगे जरूर लेकिन बड़ी कठिनाई से, संसार में जो कुछ है बेगार है। महात्मा जा रहे थे रामेश्वरम, रास्ते में 6 डाकुओं ने घेर लिया। महात्मा ने कहा जो कुछ है सब ले लो, लौट के आएंगे फिर भी हमारे पास कुछ होगा वो भी ले लेना। डाकुओं ने कहा नहीं महाराज, हम लोग आपका वध करेंगे तब लेंगे। बोले भाई वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बोले हम लोगों का नियम है काटे बिना नहीं लेते। तब बोले ठीक, आधा घंटा हमें भजन कर लेने दो फिर काट डालना। भजन में बैठ गए, भगवान से पूछा प्रभु जब मैं सब कुछ दे रहा हूं फिर ये मुझे काटना क्यों चाहते हैं? भगवान ने कहा बेटा पिछले जन्म में तूने इन 6 को काटा था, यदि तू भजन न करता तो 6 बार जन्मता और 6 बार ये काटते, किंतु ये भजन का ही प्रभाव है, सब सिमट के एक हो गए, एक बार तुम्हें काटेंगे फिर 6 बार के बदले समाप्त, फिर जब तुम जन्म लोगे ठाट से भजन करना। बहुत खुश हुआ, बोले अरे 6 बार जन्म और कटो और एक ही बार में निवृत्ति। तुरंत महात्मा बड़ी प्रश्न मुद्रा में आए, बोले जल्दी काटो जल्दी करो। बोले महाराज बात क्या है, पहले आप उदास थे अब इतने प्रसन्न, बोले क्या करोगे तुम इसको लेके, तुम समझ भी नहीं सकोगे, जल्दी करो उठाओ खड़ग। तब बोले महाराज आप बताओगे नहीं तब तक हम काटेंगे ही नहीं चाहे महीना बीत जाए। तब सोचे अरे यार काम करो अपना। तो बोले नहीं महाराज चाहे वर्ष बीत जाए बताओगे नहीं तब तक नहीं काटेंगे, नहीं जाने देंगे। तब बोले बेटा भगवान ऐसे हमने यही पूछा, जब सर्वस्व दे रहा हूं तो काटना क्यों चाहते हैं? तो भगवान ने बताया पिछले जन्म में हमने तुमको काटा था, तुम लोगों को काटा था, तो तुम लोग 6 जने में 6 बार जन्मता 6 बार काटते हो, किंतु ये राम नाम के प्रभाव से सब इकट्ठे हो गए हो, एक बार केवल कटना पड़ेगा फिर सदा के लिए निवृत्ति, बदला हमारा खत्म, फिर निर्द्वंद भजन ही चलना है, ये बाधाएं वो संस्कार समाप्त हो जाएगा। बोले अरे महाराज तब तो ये बदले ही हैं तो फिर बाद में आप भी हमें काटोगे फिर? बोले इसी से तो विधाता की सृष्टि चलती है, ये बदले तो चलते ही रहेंगे, जब तक निवृत्ति नहीं हो जाएगी किसी न किसी रूप में चलते रहेंगे। तो बोले महाराज तब हम लोग आपको नहीं काटेंगे, हमें भी साधु बना लो, बहुत दंड भोग चुके जंगल में भटक के, वो भी संत हो गए घूम गए उधर, इसलिए संसार में जो कुछ है बेगार है। कारण कि एक समय ऐसा आता है सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, लौट के कोई नहीं देखता, अर्जित की हुई इज्जत और प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाती है, अगले जन्म में अलग ही माता पिता अलग ही इज्जत प्रतिष्ठा अलग ही विकास हो जाता है। तो ना ही तो भव बिगारी में हाँ परी है, छूटत अति कठिनाई रे, फिर ये शरीर है क्या, बांस पुराण साज सब अटकट, पुराना बांस, बहुत जन्म जन्मांतरों के संस्कार इकट्ठे होते हैं, वो सब सिमट के मानवतन का सृजन करते हैं, बड़ी पुराने बांस बल्लियां लगी है इसमें, तो बांस पुराण ये जन्मांतरों के जीर्ण संस्कार सिमट के इस पुल ये शरीर का निर्माण करते हैं, और साज सब अंतसंत है, कभी भोग प्यारा लगता है कभी जोग प्यारा लगता है कभी इधर तो कभी उधर, अंत का संत ही इसमें साज भरा हुआ है, कभी लोभ मोह राग द्वेष में बहकने लगता है, कभी धारणा ध्यान चिंतन और श्रद्धा में चलने लगता है, अंत का संथी इसमें साज है। तो बांस पुराण, बड़ी पुराने बांस
जन्म बहुत से जन्मों के संस्कार भोग के बाद में ये मानव तन का नंबर आता है, वो पुराना संस्कार जब परिस्फुटित होता है तब ये जन्म मिलता है। तो बस पुराण साज सब अटकट सरल तिकोन खटोला रे, बड़ा सीधा साधा तिकोन खटोलना। आदमी जब चलता है तो एक पांव आगे पीछे और ऊपर सिर, एक तिकोन एक खटोलना है, बड़ा सीधा साधा। और क्यों मिला, हम ही दिहल करी कुटिल कर्म चंद मंद मोल बिनु डोलारे, हमारे ही किए हुए किसी जन्म का कर्म है, कुटिल कर्म है जो संसार में बार बार डालता आया है, उसी का परिणाम ये तन है। ये मंद, इतना मंद बुद्धि, मोल बिनु डोलारे, कोई आदमी काम का नहीं होता तो कहते हैं दो कौड़ी का है, लेकिन दो कौड़ी का तो है ना, ये बिल्कुल दो कौड़ी का भी नहीं है, बगैर मोल के डोल रहा है संसार में, कोई मूल्य नहीं। शरीर एक वस्त्र, शरीर एक नश्वर, एक दिन लगी ठोकर बस समाप्त, दो कौड़ी का भी नहीं, बगैर मोल का डोल रहा है संसार में। और फिर इस शरीर की चाल कैसी, विषम कहार मार मद माते चलहिन पांव बटोरा रे, शरीर को ढोने वाले, शरीर एक पालकी, इसको ले चलने वाले कहार विषम है। कभी सजातीय प्रवृत्ति होती तो इधर खींचती है, विजातीय प्रवृत्ति होती तो नीचे की तरफ खींचती है, कभी लोभ में बहक जाता, कभी मोह में, कभी राग में, कभी द्वेष में, विषम एक धारा पर निश्चय पूर्वक चल ही नहीं सकते साधना के पथ पर। विषम कहार, इंद्रियां कभी इधर तानती है, कभी भोग में, कभी रोग में, कभी जोग में, एक धारा में ये चल ही नहीं सकती, समभाव से चाल चल ही नहीं सकती। विषम कहार, आंखें दृश्य देखना चाहती है, कान अनुकूल शब्द सुनना चाहती है, त्वचा अनुकूल स्पर्श चाहती है, रसना अनुकूल भोजन चाहती है, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक स्वादी। ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां संपूर्ण स्वाद का इनको भोजन चाहिए, किसी का देखना भोजन है दृश्य, किसी का सुनना भोजन है शब्द, किसी का स्पर्श, किसी का खाना, ये सब विषम है, अलग अलग है। तो विषम, और ये जैसी जैसी भावना देते हैं वैसे ही शरीर को जाना पड़ता है। तो विषम कहार मान मद माते, और है कुछ नहीं, शरीर एक पानी का बुलबुला, लेकिन मान है, मद है, उससे मतवाला भी है। विषम कहार मार मद माते, हर समय मद के मतवाला इसी की मार सहता रहता है। चलहिन पांव बटोरा रे, ये कदम मिलाकर नहीं चलते, इसलिए मंद विलंद अभेरा दलकन पाइये दुख जख झोरा रे, बड़ा हल्की चाल, बार बार ठोकर लगती है, अभेरा दलकन पैदा होती है, पाइये दुख झकझोरा रे। कभी ये विषम कहार है, झकझोर के इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं, कभी पापा में श्रद्धा और कभी अश्रद्धा होती रहती है ना, झकझोर के रख देते हैं, क्योंकि इंद्रियां मन की वृत्ति में एक जैसी धारा नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे फेंकता ही रहता है। और रास्ते में कांटे बहुत थे, इसलिए राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बिगार महा पड़ी है, छूटत अति कठिनाई रे। आगे इस राह में कांटे बहुत, कांट कुराय लपेटन लोटन चलहिन पांव बटोरा रे, कांटे कुराए, बुरे रास्तों के कांटे पड़े हुए, अशुभ पथ के कांटे बिछे हुए हैं, उन्होंने लपेट रखा है, लपेट ही नहीं लिया, लपेट के लोटा दिया है, ठावई ठाव बजाऊ रे, हर कदम पर
थोड़ा आगे विचार करें चलें तो कोई ना कोई कांटा चुक जाता, फिर पीछे खींच जाता है, कभी ये स्कीम बनाता है कभी वो बनाता है। तो कांट कुराए लपेटन लोटन, लपेट कर इन्होंने लोटा दिया है, ठावी ठाव बजाऊ रे, कदम कदम पर इन्होंने बजा रखा है। जस इसलिए जस जस चलिए दूरी, तस तस निज बासन भेट लगाऊ रे। जैसे जैसे दूर चलते हो रास्ता और भी लंबा होता चला जाता है। कुराए के कांटे समय समय पर अटका के खड़ा कर देते हैं, रास्ता और भी लंबा चला होता चला जाता है। निज वासन भेंट लगा रे, अपना घर अपने धाम से भेंट, धाम का स्पर्श तो कर ही नहीं पाता। इसलिए मार्ग अगम संग नहीं संभल, नाव गाँव कर भूला रे। मार्ग अगम्य है, बुद्धि से मन बुद्धि का निरोध करते हुए इस राह पर गति मिलती है। ये इंद्रियों से अतीत है परमात्मा, अचिंत्य है अगोचर है आत्मा, और वो राह ये मन बुद्धि से अटकल लगा के तो कोई नहीं तय कर सकता। तो मार्ग अगम है, संग नहीं संबल, साथ में कोई सहारा भी नहीं है। और फिर जहां हमें जाना है उस गांव का नाम भी नहीं मालूम कि हम आखिर हमें पहुंचना कहां है। तो नाव गांव कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हर हु अब हो राम अनुकूला रे। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु, तुलसीदास जी ने कहा भव त्रास हरो भगवन, आवागमन की विपदा हर लो प्रभु, हो राम अनुकूला रे। भगवान आप अनुकूल हो जाएं, जब प्रभु अनुकूल हो जाते हैं तो गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही राम कृपा करी चितवा जाहि। भगवान जब कृपा करके देख लेते हैं, सुमेरु पहाड़ सिर पर गिरने वाला होगा, रज कण होके निकल जाएगा, आएगा जरूर, किसी ने फेंका नहीं है, किसी जन्म की हमारी कमाई है जो पहाड़ चला आ रहा सिर पर, लेकिन भारहीन होके निकल जाएगा। कब? जब प्रभु की सीधी अनुकंपा हो जाती है। तो गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही राम कृपा करी चितवा जाहि। गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ गरल विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं। अथा भव सागर गोपद सिंधु, गाय ने पांव रखा, थोड़ा गड्ढा हो गया चुल्लू भर पानी उसम भर गया, बस इतना ही है संपूर्ण भव सागर। कब? जब प्रभु कृपा करके देख लें। अब तुलसीदास जी ने अंत में निर्णय लिया कि अपने बल पर तो हम चल चुके, इसलिए तुलसीदास भव त्रास हर हो अब हो राम अनुकूला रे। प्रभु आप अनुकूल हो जाएं। इसलिए ईश्वर पथ में साधना तो यम नियम आसन प्राणायाम लंबी चौड़ी सर्वोपरि साधना का आरंभ नाम से है, और नाम अंत में लक्ष्य का दिग्दर्शन करा के ही शांत होता, अंत तक साथ चलता है। इसलिए अनिवार्य है नाम का जप, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नाम याद आया करे। सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठकर आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य देना चाहिए। और एक सेठ जी थे, उनका नाम जपने में इतना मन लग गया कि दुकान दौड़ी सब चौपट हो गई। तब घर वाले लगे झाऊ झाऊ करने, सेठाई ने कहा क्या बताएं क्या बताएं बहन जी, हमारे सेठ की तो बुद्धि ही भ्रष्ट होगी, जब देखो तो माला लेके टालता रहता है। सेठ ने गुरु महाराज से पूछा प्रभु घर वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया, कोई उपाय बताएं। गुरु महाराज ने कहा कहीं दुकान खोल दे टेढ़ी सीधी घर वालों के संतोष के लिए, ऐसी जगह में खोला जिस गलियारे से आदमियों का आना जाना था ही नहीं, जिससे कि हम शांति से बैठकर भजन करेंगे, इस गली में कोई आएगा नहीं, और घर वाले समझेंगे आखिर सेठ कुछ तो कर रहे हैं। भगवान का मन
जितना क्षेत्र भर का ग्राहक था उसी गली में आने जाने लगा। बोले सेठ चाहे 5 साल का बच्चा भेज दो, कच्चा नहीं तोल सकते, ये झूठ कह ही नहीं सकते, गलत तोल ही नहीं सकते। एक साख जम गई जनमानस में। तोलते तोलते दिन भर बोले हे भगवान, आपका पवित्र नाम छूट जाना चाहता है, किस जन्म का पाप प्रकट हो गया। तोलते तोलते परेशान हो जाए। रात को 8 बजे दुकान बंद करे तो बड़े वेग से भागे नाले की तरफ शौच जाने के लिए, क्योंकि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना भी आवश्यक था। आज की तरह फ्लैश लैट्रिन तो तब तो होती नहीं थी। नाले में बैठ के टट्टी भी फिरता जाए और राम 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 शुरू कर दे तो रात को 12 बज जाए। दिन भर की छटपटाहट की नाम नहीं जपे, कभी कभी 1 बज जाए। जब दिन भर की कोटा पूरा हो जाए, मन को जब संतोष हो जाए, तब घर आवे, जो सूखा रूखा ढांप के रखा रहे खा लिया करे, और बड़े सवेरे फिर ड्यूटी पर काम में चला जाया करे। ये नियम काफी समय से चल रहा था, दीर्घ काल से चल रहा था, और सेठ का साधना जम गई। एक दिन हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई तो सोचा, अरे बनिया बक्काल की जात, परमात्मा के प्रभु के पवित्र नाम को भी भ्रष्ट करने में लगा है। पूरा 24 घंटा पड़ा है टट्टी फिरते समय इसको नाम जपना था, ये थोड़ी इसे नसीहत दे दूं। पीछे से उचक के एक लात मारा इस अंदाज से कि मुंह के बल गिर जाए, 2-4 दांत टूट जाए, इसे नसीहत मिल जाए। लेकिन बनिया टस से मस नहीं हुआ, राम 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 शांति से लगा रहा। हनुमान जी को रोष आ गया, हमारी लात लगी और हिला तक नहीं। तब दुपट्टा फेंका, लगाया दंड बैठक, शरीर को विशाल बनाया और जंप करके वो लात मारा जो मेघनाथ कुंभकर्ण की छाती में प्रहार किया था किसी समय, उसी ताकत से लगाया लात। बनिया ठस से मस नहीं हुआ, राम 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 शांत लगा रह गया। तो उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण तुरंत हनुमान में प्रेरणा हुई, अरे कहां कुपात्री को छू दिया, ले हम भी अशुद्ध हो गए, और भगवान के सेवा में तो देर हो जाना चाहती है। हनुमान एक ऐसे सेवक थे कभी देर हुई ही नहीं। अर्धरात्रि को आदेश मिला, सूर्य उदय से पहले संजीवनी लाओ, तो पहले पहुंचा दी। तुरंत दौड़ के डुबकी लगाया सरयू में, पवित्र हुए और पहुंच गए सेवा में। पूरा महल झंझना रहा था, आह आह कर रहे थे राम जी, वैद्य डॉक्टर सब असफल। तब हनुमान पहुंचे, प्रभु ऐसा कौन सा रोग हो गया। बोले अरे हनुमान जी पूछो मत, आज लाती लात हम बहुत मारे गए। हनुमान जी तुरंत गर्म पड़ गए, बोले प्रभु अब सृष्टि में वो जिंदा ही कौन है जो आपके ऊपर लात उठावे, आप बता भर दे, मैं अभी सफाया कर देता हूँ। तो बोले अरे हनुमान जी आप ही ने तो मारा था। बोले प्रभु इतनी बड़ी भूल और इस सेवक से कैसे हो सकती है। बोले क्या उस बनिया को मारा था। बोले प्रभु आपको कैसे लग गई। बोले देख हनुमान, जननी जनक बांधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु सुत प्रिय परिवार, परम हितेशी, इज्जत प्रतिष्ठा, सब में जो ममत्व के धागे लगे हुए हैं उन धागों को समेट के रस्सी बना के मन को जो मेरे चरणों में बांध देता है। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, शपथ करूं ते साधु समाना, लोभी हृदय बसें धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करता है। तो हनुमान जी सारे ममत्व के धागे समेट कर और मन को मेरे चरणों में बांध कर बैठा था, वो मेरे हृदय में था, कवच के रूप में मैं था। आपने जंप कर करके जितने प्रहार किए मुझे को झेलने पड़े, कमर तोड़ डाले, वो कहते हो किसने मारा। तब तुरंत हनुमान भाग के गए और सेठ के पास और बोले सेठ तुम धन्य हो, तुम भाग्यवान हो। तो अब सेठ का ध्यान टूटा, देखा हनुमान जी खड़े,
तुरंत साष्टांग दंडवत चरणों में किया, लेट गया। बोले प्रभु आप कब आए? बोले अभी लाती लात मार गए, नहीं देखा था? बोले नहीं भगवान, आप आते और जल भला मैंने उठता दंडवत ने करता भला, ऐसी भूल कैसे होती? क्षमा करें प्रभु, हमें नहीं मालूम। तो इसलिए एक सीमा तक तो भगवान को हृदय में बैठाना होता है, एक निश्चित दूरी तय कर लेने पर भगवान ही कवच के रूप में होते हैं। कि करहु सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखी मैं तारी, वो सदा मैं उनकी रक्षा करता हूँ, जो इस प्रकार मन को मेरे चरणों में बांध देता है। और नाम जप ही था, तो इसलिए नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती। कितना भी फूल बिछा लो, अतर छिड़क लो, और हृदय में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं और नाम नहीं कंठ पर, तो जगह अपवित्र है। इसलिए राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार महापरी है, छूटत अति कठिनाई रे। इसलिए हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाम कहते चलो, बस भाई केवल नाम कहते चलो, अन्यथा आवागमन के अनंत बेगार में पड़ जाओगे। खटनी रात दिन खटोगे और पाओगे कुछ नहीं। जब कुछ नहीं मिला हमें तो बेगार नहीं तो क्या है। इसलिए नाम सबको जपना चाहिए। भगवान दो चार नहीं होते, अनंत जो अवतार हुए हैं उन्होंने हृदय देश में उस परम तत्व को विदित किया था, दर्शन स्पर्श और प्रवेश पाया था, स्थिति पाई थी, वो नारायण स्वरूप थे, वो हमारे सदगुरु थे। जितने भी सृष्टि में मंदिर पाए जाते हैं अलग से भगवान का एक भी नहीं, ये सब भगवत स्वरूप को प्राप्त सदगुरुओं के हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है तत्वदर्शियों ने जाना। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया, तत्वदर्शियों ने जाना, न 10 भाषा के विद्वान ने जाना, नहीं किसी समृद्धिशाली ने जाना, नहीं किसी राजचक्रवर्ती सम्राटों ने जाना, तत्वदर्शियों ने जाना। एक नवीन प्रश्न सामने आया, ये तत्वदर्शन क्या है? अध्याय 18 में भगवान कहते हैं अर्जुन, तत्व की चाह वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश का सेवन करे, योग विधि को, गीतोक्त योग विधि को हृदय में धारण करके और उसके माध्यम से चित्त को ध्यान में लगावे, सतत अभ्यास के फले स्वरूप काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर राग द्वेष ये विकार सर्वथा शांत हो जाते हैं, और धारणा ध्यान समाधि ये परिपक्व हो जाता है, उस वक्त में पुरुष ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। इस योग्यता का नाम पराभक्ति है। भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है, भक्ति अपनी परिणाम देने की स्थिति में है, और इस पराभक्ति के द्वारा ही वो तत्व को जानता है। ठीक है वो तत्व को जानता है, लेकिन तत्व होता क्या है? तो कहते हैं अर्जुन, मैं जो हूं जिन विभूतियों से युक्त हूं मुझे जानता है। अजर अमर है, शाश्वत है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, काल से अतीत है, अपरिवर्तनशील है, जिन अलौकिक गुण धर्मा वाला मैं हूं वो मुझे जानता है, और मुझे जानकर तत्संग मुझ में ही स्थित हो जाता है। प्राप्ति काल में भगवान दूसरे क्षण अपनी आत्मा को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से परिपूर्ण पाता है, यही है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति, यही है निज धाम। इसलिए जो इस स्थिति में पा गया वो महापुरुष है, वो सदगुरु है, वो नारायण स्वरूप है। कल प्राप्ति हो जाएगी तो आज वो जीव है, साधक है, पथिक है। गुरु महाराज कहें संसार तुम्हें साधु कहें, कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं पाओगे। भगवान तुम्हें साधु कह दे, सब कुछ पा जाओगे, दुनिया कहे चैन न कहे। ये सर्टिफिकेट आश्रम बनाने से नहीं मिलेगा, कपड़े रंगने से नहीं मिलेगा, और साइन बोर्ड लगाने से भी नहीं मिलेगा। कभी कभी संतों का साइन बोर्ड बड़ा विलक्षण होता है, इतने हजार इतना श्री श्री श्री, और फिर नारायण स्वरूप तो श्री श्री श्री, पता नहीं कितना टाइटल। हम सोचे पागल हो गए क्या, कितना भी लगा लो कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान कह दें तुम साधु है, तुम साधु हो, और वो तब कहेंगे जब अंत
साधना को समझकर एकांत देश का सेवन करते हुए चित्त को ध्यान में लगावे, अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि काम क्रोध राग द्वेष ये बाहर मुखी प्रवृत्ति अंतःकरण से शांत हो गई, चित्त ध्यान में शांत प्रवाहित हो गया, धारणा ध्यान समाधि परिपक्व हो गई, उस वक्त वो ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। इस योग्यता का नाम पराभक्ति। पराभक्ति के द्वारा वो तत्व को जानता है। तत्व है क्या कि मुझको जानता है, आप हैं कैसे कि आत्मा को जानता है। तो ब्रह्म आत्मा तत्व भगवान पर एक दूसरे के साथ स्थिति मिलती चली गई। पहले व्यापक ब्रह्म का दर्शन पाता है, उसके बाद में भगवान जो है जिन अलौकिक गुण धर्म वाला उसको जानता है, उसे जानते ही तत्सन उसी में स्थिति आ जाती है। परम तत्व एक परमात्मा, पांच तत्व तीन गुण नहीं। इसलिए समर्पण के साथ साधना ही करना है। ये जितने अनंत मंदिर देखते हो, एक भ्रांति खड़ी हो गई कि हमारा भगवान कृष्ण, आपका भगवान राम, उनका भगवान शिव, ये एक ढकोसला खड़ा हो गया। वो सब एक इकाई है। पहले संयम की पूर्ति में योग्यता आती है वृहद कणकण में व्याप्त ब्रह्म को जानने की, भक्ति अपनी परिपक्व परिणाम देने की स्थिति में वो तत्व को जानता है। क्या है तत्व की मुझे जानता है, कैसे आप तो मुझे जानकर तत्सन मुझ में स्थित हो जाता है। प्राप्ति काल में भगवान दूसरे क्षण अपनी आत्मा को उन्हीं विभूतियों से युक्त पाता है। भगवान कृष्ण के भी जीवन का यही रिकॉर्ड मिलता है। ये जितने हैं महापुरुष हैं, भगवान एक हैं, स्थिर है, और जब कभी किसी ने पाया है तो हृदय देश में पाया है, और ये साधना के परिणाम में सुलभ है। साधना लंबी चौड़ी सीखने की जरूरत नहीं, केवल एक साधना सीख लो, सोते जागते चलते फिरते भला करो बुरा करो, हर समय पर श्रद्धा पूरी हृदय से समर्पण के साथ एक नाम चलता रहे, राम कहत चल, राम कहत चल, बस केवल राम कहत चल भाई रे। और अन्यथा भव बिगार में पड़ी है, ये झूठ मूठ की बिगार में पड़ जाओगे, बोझा रात दिन ढोओगे, शाम को एक छदाम नहीं मिलेगी, और छूटत अति कठिनाई रे। छूटने का एक तरीका है भगवान का अनुकूल होना, वो प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा से लग जाओगे तो तुरंत मिल जाएंगे।